गांव हमारे देश की धड़कन है, हमारे देश की पहचान है। अपने कालातीत आकर्षण के साथ एक सुरम्य परिदृश्य को चित्रित करते हुए हमारे गांव सादगी, शांति, सद्भाव, सांस्कृतिक विरासत और परंपरा का सार प्रस्तुत करते हैं। हरे भरे खेतों और फूस की झोपड़ियों के बीच गांव संस्कृति और परंपराओं की कहानियां बुनते हैं। ये ग्रामीण अभयारण्य हमारे राष्ट्र की आत्मा का पोषण करते हैं। हमारी सामूहिक विरासत को आकार देने में इनकी भूमिका अमूल्य है। छोड़कर एसी और कूलर, पीपल की छांव चलते हैं। शहर से जी भर आया है, चलो अब गांव चलते हैं। जोहार, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है गांव यात्रा। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके ज़रिए हमारा प्रयास रहता है कि झारखंड की जो खूबसूरती है, यहाँ के गांव की किस्से कहानी, ये सब हम आपके सामने लेकर आएँ। और इसी क्रम में आज हम जा रहे हैं लोहरदगा। हमारा गंतव्य होने वाला है तिसिया गांव। ये जो गांव है ये पाखर पंचायत के अंतर्गत आता है और किसको ब्लॉक में स्थित है, वक्त नहीं गंवाएंगे, निकल चलते हैं इस गांव यात्रा पर। इस बार हम यात्रा करेंगे लोहरदगा जिला स्थित तिसिया गांव की। यह गांव किसको प्रखंड के पाखर पंचायत में स्थित है। ऊंची पहाड़ियों और हरे भरे खेतों से सुसज्जित यह गांव हमारे राज्य के एक छिपे हुए रत्न के समान है। इसका आकर्षण न केवल इसके सुरम्य परिवेश में है, बल्कि यहां के ग्रामीणों द्वारा प्रदर्शित गर्मजोशी और आतिथ्य में भी छुपा हुआ है। प्रत्येक मुस्कान आत्मिक संतोष की कहानी कहती है और प्रत्येक भाव यहाँ पनपने वाली घनिष्ठ सामुदायिक भावना का प्रतिबिंब है। इस गांव के मनमोहक आकर्षण के बीच एक मौन क्रांति की लहर चल रही है। यहां के ग्रामीण सदियों पुरानी कृषि पद्धतियों को नवाचार और स्थिरता के मॉडल में परिवर्तित कर रहे हैं। आधुनिक तकनीकों के ज्ञान को अपनाकर ग्रामीणों ने कृषि समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत की है। 92 में डीजल वाला लगा था, 1992 में, तो उसमें हम लोग 2015 तक किए खेती और कम में करते थे। डीजल का महंगा बढ़ गया तो इधर हम लोग बहुत कम कर दिए। उसके बाद में फिर इधर ये सोलर वोलर लगाए तो अभी तो 20 से पार कर देते हैं। $60,000 जमा किए पैसा, उसके बाद में ये लगा तो अभी तो बहुत अच्छा से खेती कर रहे हैं। पहले से दुगुना ही समझिए, पहले जो कर रहे थे उसे दुगुना भी कर रहे हैं। बिना पानी कृषि संभव नहीं है और पर्याप्त जल स्रोत हमेशा से झारखंड के किसानों के लिए एक चुनौती रही है। सिंचाई आवश्यकता की जलापूर्ति हेतु यहाँ एक लिफ्ट सिंचाई प्रणाली लगाई गई है। यह नवोन्वेषी प्रणाली नदी से पानी खींचने के लिए सौर ऊर्जा की शक्ति का उपयोग करती है। इसका प्रभाव पूरे गांव पर पड़ रहा है, जिससे कभी सूखे और बंजर पड़े खेतों में आज नई जान आ गई है। सौर लिफ्ट सिंचाई प्रणाली द्वारा पानी के निरंतर प्रवाह की सुविधा के साथ ग्रामीणों को नए आत्मविश्वास और दक्षता के साथ अपनी भूमि पर खेती करने का जज्बा मिला है। नियमित सिंचाई के पोषक आलिंगन में फसलें फल फूल रही है, जिससे भरपूर उपज और बेहतर आजीविका सुनिश्चित हो रही है। खेती पहले बहुत पहले कर रहे थे, उसके बाद में बीच में पहले डीजल इंजन था, उसके बाद में डीजल बढ़ गया तो खेती कम हो गया। उसके बाद में ये सब प्लॉट में नहीं हो रहा था, पहले ऊपर प्लॉट में हो रहा था उधर। उसके बाद में ये जो लिफ्ट लगा सोलर वाला तो इधर खेती फिर से ज़्यादा आप कर रहे हैं। और जैसे प्रधान के दादा सब बतलाइए कि ऐसा डिजाइन खेती करिएगा तो और ज़्यादा आप लोग को फायदा होगा। आ
आधुनिक सिंचाई विधियों के अलावा ग्रामीणों ने मचान खेती की अवधारणा को भी अपनाया है। इस विधि में पौधों को कीटों और बाढ़ से बचाने के लिए ऊंचे खांचों पर फसलों को उगाया जाता है। इससे न केवल कम जमीन पर अधिक फसल उगाया जा रहा है, बल्कि यह पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रभाव को भी कम करता है, जिससे साल भर भरपूर फसल सुनिश्चित होती है। हम लोग बहुत बार खेती कर रहे थे इधर, मतलब काही जही खेती सब, तो दादा लोग आने लगे सर रोड है तो देखे और बोला कि दीदी आप लोग कितना खटते हैं, बहुत देखते हैं आप लोग का, यही लागल रहे दादा और दीदी, तो थोड़ा खूटा गाड़ के मचान खेती करिएगा कह के। तो हम लोग कहे हाँ भैया करेंगे, कैसे नहीं करेंगे जी कह, तो दिए दादा बोले कि बीज दे दे रहे हैं लगाइए, तो कह के खूटा बाँस अपने वाला काटे, उसके बाद में गाड़ दिए और लगा दिए, तो बहुत बेहतर जगह। अभी तो लगाएंगे भी सोच रहे यार, सो भी अच्छा लगा, खाने ने भी बहुत सुंदर मीठा लगता है, कहे कि रखने ने भी दो तीन दिन में रख देते हैं ना, पर भी खराब नहीं होता है, हरा रंग छोड़ता भी नहीं, ये अच्छा लगा हमको। हुआ लगा ली दीदी अथी जैविक वाला खाद से खेती कर रही थी, अभी थोड़ा सा मचान लगा ही और कर में बहुत फायदा होला का, जमीन भी थोड़ा सा मुलायम टाइप से होला हम इनके। और बैगन लगा ही, मिर्चा लगा ही और करेला लगा ही, और हुआ 10-12 हज़ार का मतलब इनकम। अब लोग देख रहे हैं ये छोटा सा प्लॉट है, मोटा मोटी 5 डिसमिल है, इसमें लगभग 40-45 हज़ार का हम लोग अभी तक बेच चुके हैं और अभी ये लगा हुआ है, अभी और इसका ये चलेगा, तो इसी को देखते हुए हम लोग बड़ा प्लॉट में करने का प्लान किए हैं और शुरुआत कर दिए हैं उसके लिए। सामुदायिक खेती की भावना ने तीसिया गांव में जड़े जमा ली है, जिससे यहां के निवासियों के बीच सहयोग और साझा जिम्मेदारी को बल मिला है। सामूहिक प्रयासों और आपसी सहयोग से ग्रामीणों ने पारंपरिक खेती की सीमाओं को पार कर लिया है और कृषि के लिए नवाचारी एवं नवोन्वेषी एकीकृत दृष्टिकोण का लाभ उठाया है। आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए ग्रामीणों ने अपनी भूमि के पोषण और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अभिनव समाधान अपनाया है। रासायनिक उर्वरकों पर भारी निर्भरता के दिन अब लद चुके हैं। परिवर्तन की बयार को पहचानते हुए ग्रामीणों ने जैविक खेती की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस हरित क्रांति का नेतृत्व नव स्थापित जैविक संसाधन केंद्र कर रहा है, जो स्थायी कृषि के लिए आशा की किरण है। ये एक जाली है जिसमें हम लोग ये सूखा कुट्टी पुआल का और कच्चा घास और ये गोबर के माध्यम से हम लोग ये जैविक खाद तैयार करते हैं, तो इसको हम लोग एक तसला के माध्यम से इसको नापी करते हैं और सूखा कुट्टी को हम लोग 9 तसला देते हैं और ये कच्चा घास रहता है उसको 6 और ये गोबर को 3 तसला देते हैं और पानी का मात्रा हम लोग देते हैं सूखा में 3 कड़ाही और ये कच्चा घास में 1.5 और गोबर में 0.5। तो इस प्रकार हम लोग परत बाई परत डालते डालते 7-8 परत ये जाता है इस जाली में और ये खाद तैयार होता है लगभग 18-27-27-27 दिन के अंदर में तैयार हो जाता है और इसको हम लोग एक जाली के माध्यम से चालते हैं और ये इसको तैयार पैकिंग करते हैं और सेल भी होता है और किसानों को हम लोग देते हैं। इस केंद्र में प्रकृति की उदारता का सदुपयोग करने की प्रतिबद्धता निहित है। यहाँ खेती की जरूरतों के अनुरूप विविध प्रकार के जैविक उत्पादों का निर्माण किया जाता है। पोषक तत्वों से भरपूर खाद से लेकर प्राकृतिक कीट प्रतिरोधी तक, ये पर्यावरण अनुकूल विकल्प
कृषि पद्धतियों के एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें मिट्टी के स्वास्थ्य और जैव विविधता को प्राथमिकता दी जाती है। अपने सामूहिक प्रयासों और पर्यावरणीय प्रबंधन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से ग्रामीण एक हरित वातावरण एवं स्वस्थ भविष्य निर्माण में दृढ़ता से जुटे हैं। पहले रासायनिक दे के उसमें ना एकदम नगड़ी जैसा हो गया, बंजर जैसा। पिछले साल से दे रहे हैं तो अब तो कुछ बदलाव आ गया है जमीन के बारे में, और हम लोग को भी खाने में भी कुछ बदलाव आ गया है। कहे कि वो वाला हरापन बहुत अच्छा दिखता भी है और खाने के लिए स्वादिष्ट भी है, और रखते हैं घर ले जाके तो खराब नहीं होता है। बाजार से कोई चीज़ ला रहे हैं रासायनिक वाला, तो वो वाला जल्दी ख़राब होने जैसा लग रहे हैं। किचन में रखते हैं तो जल्दी ख़राब होता है, और हम लोग अपने से जैविक तरीका से खेती करके जो जो रख के देख रहे हैं वो वाला बहुत ही कम खराब होता है बहुत दिन के बाद। यहाँ पे हम लोग अभी आम बागवानी के में जो हम लोग मल्चिंग किए हैं, ये एक उद्देश्य था मल्चिंग करने का कि इस आम का कहने के जो उम्र हो गया था 8 से 10 साल, और उस बीच में इसका प्रोडक्शन भी घट गया था और साइज जो छोटा था, तो हम लोगों को ये जानकारी दिया गया कि आम में अगर मल्चिंग करेंगे जिस समय आम फूलने लगता है उस वक्त, तो कहीं ना कहीं उसका साइज में भी बड़ा होगा साइज, और इस तरीके से एक प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। उसके बाद पुआल से हम लोग उसको मल्चिंग किए, और एक दिन हम लोग इस तरीके से उसको पटवन भी करते हैं ताकि उसका नमी बना रहे और इसका फूल ज़्यादा झड़े ना, और इसमें किसी तरीके से कोई केमिकल भी हम लोग को देने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर मल्चिंग करते हैं तो, क्योंकि हम लोग इस गांव को जैविक गांव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस गांव के विकास में महिलाओं की अहम भागीदारी है। इनके अटूट समर्पण और सक्रिय भागीदारी ने इस परिवर्तन को प्रेरित किया है। ये महिलाएं अब गांव की नियति को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभा रही हैं। वे दिन गए जब ग्राम सभा की बैठकों में इनकी आवाज नहीं होती थी, आज ये मुखर भागीदार के रूप में खड़ी है। ये ग्रुप से हम लोग का बहुत कुछ ही हल हो रहा है, मतलब खेती बाड़ी के लिए जरूरी पड़ रहा है तो उसमें ले रहे हैं और खेती बाड़ी कर रहे हैं। बच्चों के स्कूल फीस देने के लिए दिक्कत हो रही है, कहीं से नहीं आ रहा पैसा, तो उसमें ग्रुप से ही लेके दे रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके उसको चुकता कर रहे हैं। फिर हो गया था तबीयत ख़राब, इमरजेंसी कभी रात को हो जाता है, कभी व्यवस्था नहीं रहता है दिन में भी, बैंक जाने के लिए दिक्कत होता है। यहाँ ग्रुप में बैठ रहे हैं तब से हम लोग को ये दिक्कत नहीं हो रही है। पहले जो रासायनिक के विधि से खेती हो रहा था उसमें बहुत सा ये सूक्ष्म जीव मर चुके हैं और धीरे धीरे खेत बंजर भी हो चुका है, तो उसी को देखते हुए ये तीसिया नवा टोली में टोला सभा किया गया नवा टोली में, और उस धीरे धीरे किसान लोग जागरूक हुए और ये जैविक खेती पर सभी लोग जागरूक हुए, और धीरे धीरे अभी जैविक विधि से ही खेती सभी किसान कर रहे हैं। दीदी आए प्रधान तरफ से, तो एक बोले कि एक प्रोजेक्ट आया है, तो 6 लाख का अमाउंट था, वो 6 लाख का अमाउंट था, तो वो बोले कि 10% छूट है। तो हम लोग सब एक दिन सब बैठे, एक दिन गांव घर का जो है किसान दादा दीदी लोग सब बैठे, उसके बाद में हम लोग निर्णय किए, एक समिति बनाए, तो उस समिति बना के फिर हम लोग 10% छूट था, तो कोषाध्यक्ष और तो अध्यक्ष हम लोग चुनाए तीन उस समिति को चलाने के लिए। इस गांव में हुए विकास का बड़ा श्रेय यहाँ की महिलाओं को जाता है।
न केवल SHG का गठन करने के पश्चात कि यहाँ पर साप्ताहिक बचत करती हैं, बल्कि उसके साथ ही साथ गांव में जो समस्या मौजूद हैं उसके बारे में भी समय समय पर चर्चा करती हैं और उसके समाधान पर प्रयासरत रहती हैं। इस दिशा में प्रधान ने भी एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। न केवल यहाँ अलग अलग पहलुओं पर इन्हें जानकारी दी जाती है, बल्कि उसके साथ ही साथ कई ऐसी समस्याएँ हैं, कई ऐसे इशूज़ हैं जिन पर इन्हें अवगत भी कराया जाता है, फिर चाहे वो महावारी हो या फिर आजीविका से संबंधित बातें हों। और इन सब ने एक बड़ा योगदान दिया है गांव की महिलाओं को सशक्त बनाने में। गांव के विकास में रोजगार के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। जब इन अवसरों का स्थानीय स्तर पर सृजन होता है तो उनका प्रभाव बढ़ जाता है। इससे दक्षता और स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। गांव में मड़ुआ प्रसंस्करण केंद्र का निर्माण किया गया है। यहाँ आधुनिक मशीन द्वारा मड़ुआ के आटे का उत्पादन किया जाता है। ये पहला वाला मशीन में जो होता है बालू को छटाई होता है, बड़ा वाला जो कंकड़ है ऊपर छटाता है, उसके बाद में नीचे छोटा वाला कंकड़ भी निकल जाता है छटाई करके, और इधर अथी निकल जाता है अथी मड़ुआ। उसके बाद में दूसरा वाला जो मशीन है उसमें छिलका हटाता है, छिलका को बाहर फेंक देता है और अथी इधर गिरता है। उसके बाद में फिर तीसरा वाला मशीन में है उसमें आटा पिसाता है, उसको यूज करते हैं लड्डू बनाने का, और लड्डू बना के अभी सेलिंग हो रहा है। 15,000 तक का अभी सेलिंग हो चुका है। और साथ ही इसमें मड़ुआ के लड्डू और बिस्कुट बनाए जाते हैं। जब एक बार उत्पाद बनकर तैयार हो जाता है तो FPO द्वारा इनकी मार्केटिंग की जाती है। इस केंद्र में होने वाले सभी कार्यों का क्रियान्वयन गांव की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस केंद्र की स्थापना न केवल रोजगार की तत्काल आवश्यकता को पूरा करेगा, बल्कि इन महिलाओं और तिसिया गाँव को एक अलग पहचान भी प्रदान करेगा। अभी हम तिसिया नवाटोली गांव में है और यहाँ पे BRC बना हुआ है और मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होता है खाद का या मड़ुआ का, लड्डू का या आटा का, तो उसको हम लोग FPO में बेचने का प्रयास करते हैं, मार्केटिंग करने का प्रयास करते हैं। एक ऐसे वक्त में जब गांव के लोग पलायन करके शहर की ओर जा रहे हैं रोजगार की तलाश में, वैसे में तिसिया गांव बहुत बड़ा उदाहरण बन जाता है जहां गांव के अंदर ही रोजगार का सृजन हो रहा है। इनमें सबसे बेहतरीन पहल रहा मड़ुआ प्रसंस्करण केंद्र। यहां मड़ुए के आटे का निर्माण तो होता ही है और इसके साथ ही साथ इस आटे के मदद से कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जिसमें मड़वा का लड्डू शामिल है, बिस्किट्स शामिल है, और आने वाले वक्त में इसे बेकरी के समान भी बनाया जाएगा। अवन यहाँ पर आ चुका है और कहा जा रहा है कि कुछ ही महीने में इसकी भी शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद मफिन्स या फिर केक जैसे जो सामान है उसका भी उत्पाद किया जाएगा मड़वा का इस्तेमाल करके। विकास की यात्रा में सार्थक सहयोगी की मौजूदगी राह को काफी हद तक आसान बना देती है। प्रधान नामक गैर सरकारी संगठन ने इस गांव के परिवर्तन में एक अमूल्य भागीदार की भूमिका निभाई है। 30 वर्षों की समर्पित उपस्थिति के साथ प्रधान हर कदम पर तिसिया गांव को समृद्ध और सशक्त बनाने में सहायक रहा है। अपनी अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से इसने गांव में देखे जा रहे सकारात्मक बदलाव में बहुत बड़ा योगदान दिया है। प्रधान का लोहरडगा में कार्य 1992 से ही हम लोग यहाँ पे कर रहे थे और उसी सफ़र में हम लोग तब से ही इस गांव में कार्य कर रहे हैं। जो सफ़र शुरू हुआ था आपका डीजल का जो लीफ सिंचाई, सभी लोग यहाँ पे बताए भी हैं, उससे शुरू हुआ था। उसके बाद हम लोग खेती बाड़ी और फिर महिला मंडल का गठन, ये सब कार्य में हम लोग जुड़े हुए थे। उसी दौरान हम लोग का एक सोच बन पाया कि अगर किन्हीं के आजीविका में सुधार करना हो तो शायद उनका बस आय बढ़ोतरी करने से वो विकास जो हम लोग सोच रहे हैं वो नहीं आ पाएगा। तो हम लोग फिर एक नया सोच के साथ काम करना शुरू किए, जिसको हम लोग व्यापक आजीविका बोलते हैं, जिसमें हम लोग
अलग अलग पांच आयाम पे ध्यान देते हैं, जैसे जैसे कि आय है, और आय में हम लोग बस ऐसा नहीं कि बस खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसके साथ किस तरीके से हम लोग पशुपालन को जोड़ सकते हैं, उसमें कुछ अपना जो व्यवसाय है, यहाँ पे आप लोग देख भी रहे होंगे कि मरुआ का प्रसंस्करण केंद्र लगा हुआ है, आपका BRC लगा हुआ है, जिसमें हम लोग चाह रहे थे कि आपके आसपास जो संसाधन है उसको ही यूज़ करके आप किस तरह का एक तरह का एंटरप्रेन्योर खड़ा यहाँ पे हो पाए, और लोग जो खास करके पलायन करते हैं उनका वो पलायन रोक पाए। उसके साथ साथ यहाँ पे आम बागवानी, मनरेगा के तहत रोजगार, ये सब चीज़ों में हम लोग कार्य किए हैं। प्रगति और समानता की यात्रा अक्सर चुनौतियों और बाधाओं से भरी होती है। हालांकि जब कोई समुदाय अटूट आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प को अपना अस्त्र बनाकर एकजुट होते हैं, तो वे क्या हासिल कर सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं होती। साझा दृष्टिकोण और सामूहिक संकल्प के साथ समुदाय एक दूसरे का उत्थान कर सकते हैं और रास्ते में सबसे कठिन बाधाओं को भी पार कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल कप ही यूज़ करते हैं पीरियड्स के टाइम पे, और जहाँ मेरा गांव में दीदी लोग जब पता चला कि मैं मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रहे, तो दीदी लोग को वो ट्राई करने के लिए बहुत अच्छा लगा। और हम लोग यहाँ पे एक दीदी को मैं एक्सपेरिमेंट के बेसिक्स में दिया कि दीदी अगर आपको अच्छा लगेगा तो, मेरा सोच ये था कि गांव में ही एक दीदी होगा जो रिसोर्स पर्सन होगा, अगर मैं यहाँ से चले जाएंगे तो भी मेरा दीदी जो है वो एक्सपर्ट हो गया है, वो दीदी ये गांव में पूरा बात कर सकते मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। और अभी हम लोग का 15 दीदी लोग यहाँ पे यूज़ करने के लिए स्टार्ट किया है। सब दीदी लोग को बताएं, उसके बाद में लड़की लोग को सबको धीरे धीरे करके बताएं, उसके बाद में सब लोग लिए, लड़की छुआ लोग, दीदी लोग, सब लोग लिए। और इसमें ये है कि पैसा भी बहुत कम लगा, क्योंकि फैड 30 रुपया 35 रुपया 40 रुपया ऐसा कर करके हर महीना में बहुत खर्च हो जाता है, और इसमें एक ही बार लीजिए, एक ही बार इसको लेके 5 से 10 साल तक यूज करना है। अभी 1 महीना से कर रहे थे दीदी, आगे तो कपड़ा यूज करते थे तो स्किन बहुत पानी लगा था, दिक्कत सुखाने ने भी, कहूँ जाने ने भी, अभी कप यूज कर रहे हैं तो खेत भी जाने ने तनी फ्रेश लग रहा है और ठीक भी लग रहा है। तीसिया के गांववासी अपार चुनौतियों का सामना करने के बावजूद एक उल्लेखनीय परिवर्तन लाने के लिए अटूट आत्मविश्वास के साथ एकजुट हो चुके हैं। विकास की दिशा में उनकी यात्रा एकता और दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रमाण है। ठोस प्रयास और साझा दृष्टिकोण के माध्यम से ग्रामीण प्रगति की राह पर चल पड़े हैं। उन्होंने सुधार के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है और उन्हें संबोधित करने के लिए सक्रिय कदम भी उठाए हैं। यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे मरुआ प्रसंस्करण केंद्र लगा हुआ है, BRC यहाँ पे लगाया गया है। इसी सोच के साथ जो आपके आसपास जो संसाधन उपलब्ध है उससे किस तरह का एक तरह का व्यवसाय, एक आपका एंटरप्रेनर खड़ा हो पाए, जिसके तहत इस गांव में जो माइग्रेशन होता है वो रुक पाए, इसी तहत हम लोग काम करें जिसमें ग्राम सभा यहाँ का सशक्त हो और आगे की जो भी प्रक्रियाएँ हो वो हम लोग के या किन्हीं के भी मदद के बिना ग्राम सभा खुद पे ये चीज़ कर पाए और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो सस्टेनेबल रहे। बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर सामाजिक पहल तक ग्रामीण जीवन के हर पहलू को उद्देश्य और प्रतिबद्धता की भावना के साथ पुनर्जीवित किया जा रहा है। प्रत्येक निवासी की भलाई और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता और आजीविका के अवसरों को प्राथमिकता दी जा रही है। ग्रामीण विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिए नवाचार और आधुनिकीकरण को अपना रहे हैं।
लेकिन शायद इस यात्रा का सबसे प्रेरणादायक पहलू एकजुटता और सौहार्द की भावना है जो हर प्रयास में व्याप्त है। ग्रामीण केवल व्यक्तिगत उन्नति की दिशा में ही काम नहीं कर रहे, वे एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी पीछे न रह जाए। चुनौती चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर एकजुट होकर कदम आगे बढ़ाया जाए तो किसी भी शिखर को पार किया जा सकता है। दसिया गांव के ग्रामीणों ने इस बात को सही साबित करके दिखाया है। ये गांव धीरे धीरे एक विकसित गांव में बदल रहा है और अगर इसी प्रकार से यहां काम होता रहे तो आने वाले वक्त में हम दसिया को एक मॉडल गांव के रूप में भी देख सकते हैं। इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। हमें दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे झारखंड के किसी अगले गाँव में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।